गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिम से। अभी मैं आया हूँ जिम फिलहाल वर्कआउट वगैरह करने। सरप्राइज का बता दिया और अभी नहीं बताया। दिख जाएगा अगले व्लॉग में दिख जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वर्कआउट करने स्टार्ट कर रहे हैं। मसल का प्रोटीन वियो सबसे बेस्ट एंड ऑथेंटिक एंड एकदम जेन्युइन प्रोटीन है, तो जल्दी से जाओ बिग मसल की साइट से परचेज कर लो। अगर मैगी भाई का कोड लगाओगे तो BM मैगी, मेरा कोड लगाओगे तो BM करण, तो जल्दी से जाओ। और अभी मेरे को आपको बताना है कि वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने PT लेनी स्टार्ट कर दी है, तो अभी 3-4 महीने में शायद बॉडी खिंच जाए और सर्दियों तक बढ़िया जैक लगूँ जैसे मैं पहले था बिना सामान के। फिलहाल वर्कआउट प्री वर्कआउट वगैरह बना रहा हूँ। बिग मसल का कार्नेज प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ मैं प्री वर्कआउट के लिए। क्यों? क्योंकि इसके एक सर्वे में एक तो कैफीन की लेवल कम है, बीटा एलेनिन कम है जिससे इरिटेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं होती बॉडी में, और गुड पंप है। इसको खोलियो यार, पंप बढ़िया आता है और रेडनेस नहीं होती बॉडी के अंदर, आपका माइंड फोकस रहता है। और इस प्राइस में इससे अच्छा कोई प्री वर्कआउट इंडियन मार्केट में तो है ही नहीं। तो अगर आपको परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। मेरा कूपन कोड लगा लेना BM मैगी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए। चलो मिलते हैं। देखो यहाँ टू टाइप के लोग होते हैं जिम में, एक ये जो वर्कआउट कर रहे हैं सिंसियरली, एक वो मेरा भाई आशिक, फिर मटका, फिर कह रहा मेरी बॉडी नहीं बनती। अभी वॉइस नोट भेज रहा था किसी को, पता नहीं। देखो नया जिम, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू वाइब्स, न्यू मशीन, और ये आसान है। चल बोलता रहूंगा, चल भाई 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 अपनी फिजिक दिखा रहा है। हां ऑन है भाई एकदम, भाई आपको दिखा रहा हूं कि अभी बिफोर जिम बॉडी कैसी है, मतलब 2-3 दिन हुए दोबारा रेगुलर। ये कितनी वीडियो में बोल चुका है सच में, नहीं जेन्युइन भाई टैटू की वजह से रेस्ट किया और उससे पहले जिम में आया है। यहां नए जिम, नए मेंबर, नए ट्रेनर, नई PT, तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी बॉडी को फर्क आएगा। उतारना है बच्चों के यार, बहुत मोटा हो रहा है पेट से, गंदी है तेरी। ठीक हो जाएगी, ठीक 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, बिग मसल का प्रोटीन इंजेक्ट। मजाक कर रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग लूंगा तो उसमें थोड़ा बहुत फोकस रहेगा। बस मेरी मेन दिक्कत है डाइट की, डाइट मेरी ढंग से हो नहीं पाती जिस वजह से मैं मार खा देता हूँ। मार या माल? मार खा सकता हूँ, अदरवाइज कोई टक्कर ही नहीं है मेरी। दिखाऊंगा इनको भाई, ये टक्कर का सिर्फ एक बंदा है, दिखाऊं? चाचा का लड़का। वर्कआउट वर्कआउट हो गया गाइस, अब जा रहे हैं कहीं इधर उधर घूमने फिरने, मटर गश्ती करेंगे, ऐश करेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा दिन और क्या होता है। हट जा, मैंने बॉडी रिवील कर दिया, तूने मिस कर दिया। आ गया गाइस, पर्सनल ट्रेनिंग चल रही है, पैसे लग रहे हैं महीने के, तो प्लीज सपोर्ट करो। BM मैगी हाँ चलो मुंबई चल पड़ता है। और करो रुक जा, वीडियो अपनी ऑन करो, टिकट बुक कर तेरी बहन की। नहीं भाई अभी नहीं करूंगा। अबे टिकट बुक कर, नहीं भाई अभी नहीं कर। अरे नहीं भाई नहीं, क्यों क्या हो गया? अभी रात तो करूंगा भाई, पेमेंट आएगी ना। सब लोग ऑन करना देखियो। हां हां ऑन है ओए, ये कर दे इंजेक्शन गाइस, मीट माय न्यू ट्रेनर, दिखा दो भाई। ओए ये भी दिखाइए, वीडियो बना पेंट्री बना चुके रील भाई ने, आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, हो गया। देखो ये पता क्यों है, 5 दिन लगातार हो गए जिम जाते हुए। नहीं आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया ना, तूफान आ गया ना। ये चलेगा तेरा तब जब सही में तूफान आ जाएगा जुलाई में। कुछ लोग हारे हैं और कुछ लोग जीते हैं। 2600 रुपये जीता मेरा भाई, जो यहाँ बिल भर देगा, भर देगा व्लॉग में, वैसे जुड़ कराएगा। और क्या, ठीक है ना, ओके है ना। उसको भी दिखा दे यार, मेरा भाई भी आ रहा है 2000 रुपये।
भाई मारेगा मारेगा हमारी मार जा भाई अब ये जहाज उड़ाएगा और कवर कर लेगा 320,000 पीने का मन कर रहा था हमारा तो हम लोग आ गए टिम हॉर्टन्स बट टिम हॉर्टन्स हम लोग आए हैं एयरपोर्ट वाले क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं क्या कहीं क्या जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं तो मुझे पता लग ही जाएगा पार्टी करने जा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से हैं ले ले भाई एक पकड़ ले मेरे हाथ में कैमरा है थैंक यू सर हाँ भाई मुंबई जा रहे हैं पार्टी करने सिर्फ दो दिन के लिए और पार्टी करके आ जाएंगे पार्टी क्यों करने जा रहे हैं वो तुम्हें पता लगेगा आगे बता नहीं सकते हिंट तो तुम्हें हो गया होगा बट फिर भी मिलते हैं अभी मुंबई जाकर ठंड 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 फ्लाइट पकड़ रहे थे दिल्ली से क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे फ्लाइट के लिए और उतना ही लेट हम अभी जा हो रहे हैं पार्टी जाने के लिए क्यों क्योंकि फ्लाइट साली डेढ़ घंटा लेट थी सारा टाइम खराब हो गया टाइम क्या हो रहा है 1 बजे लैंड करा भाई हमने हमको लैंड करना था 11 बजे 2 घंटे लेट हो गए हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा पार्टी तैयार श्यार क्या होना है ऐसे ही चला जाऊंगा मैं तो ये तो मेरा भाई कह रहा तैयार होऊंगा तैयार नहीं चेंज करूंगा चल ना लिया अगर इससे बढ़िया भाई चेंज चून करने से बढ़िया चलो मिलते हैं अभी सीधा पार्टी दिखाते हैं आपको माहौल पूरा मुंबई गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग डिफरेंट डे अभी पार्टी वार्टी खत्म करके हम लोग आए हैं कुछ खाने पीने क्या कैमरे में देख रहा हूँ तेरे को देख रहा हूँ मैं तो अभी हम लोग कुछ खाने पीने आए हैं ये रेसबेरी मुंबई रात को ना तो फोन सुनता पर रात को ना तो सबके ही फोन ऑफ थे लला ही क्या वो देख भाई वीडियो में आ गया वो देख गाइस ये चाप है चाप तंदूरी चाप है ये भाई मॉल दिखा दो मॉल को पाली रिटर्न बाण बाण आगे जाके हेलो गाइस वेलकम बैक टू द सेम व्लॉग डिफरेंट डे बट
आज एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। रात को एक तो पार्टी ख़राब हो गई, क्यों? क्योंकि पुलिस आ गई, पार्टी जल्दी बंद हो गई 12:30-1 बजे। मज़ा आने शुरू हुआ था, पार्टी ख़त्म। आज हमको निकलना था सुबह, फ्लाइट बुक कराई 2:30 बजे की, साली स्पाइस जेट की फ़्लाइट। जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे चेक इन के लिए, वो कह रहे कि 8:15 बजे की हो गई है। हमारा कट गया बड़ा गंदा, हमने वो फ़्लाइट कैंसिल कराई है। अब हम 6 बजे की फ़्लाइट से वापसी जा रहे हैं इंडिगो। तो हमारे पास ये 4-5 घंटे का मार्जिन है, तो इन 4-5 घंटों में हम मुंबई घूमेंगे और दोबारा से लगेज रख रहे हैं अपने होटल और फिर जाएंगे घूमने फिरने चुपती जलती गर्मी में। ये मुंबई मुझे जाने नहीं दे रहा, ये हिंट है। क्या है? हिंट है, हिंट। अब इस हिंट को मैं क्या समझूं? लोग आए हैं यहाँ पे कॉफ़ी बाई टी वाला, बस मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? माकियातो, मुझे पता है गाइस माकियातो बोलते हैं, बट इट्स माकीचू। भाई ये कोई मैरी चर्च है, यहाँ पर अमर अकबर एंथनी मूवी की शूटिंग हुई थी। हमने ऑटो वाला पकड़ लिया है, उसको बोला मुंबई घुमा, हमारे पास 1.5 घंटा है। तो अब घूम रहे हैं, देखते हैं। मैं तो पहली बार ज़िंदगी में जाऊँगा चर्च। क्या? मैं चर्च ही पहली बार जाऊँगा ज़िंदगी में। मैं पूछ रहा हूँ, बाहर टूटे तो नहीं उतारने पड़ेंगे मेरे को? नहीं पता ना, चलो देखते हैं कैसा है। हॉगवर्ड्स लग रहा है, हॉगवर्ड्स घूम कर रहा है। जय जीसस भाई। अभी अंदर होकर आए, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है ना, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कि अगर आप पानी पी रहे हो ना तो आपके गले की आवाज़ भी सबको सुनाई देगी, इतना साइलेंस। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और, अंदर तो अलाउड नहीं था वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, और करनी भी नहीं चाहिए भाई ऐसी जगहों पे, तो हमने करी भी नहीं। कहाँ गया हमारा ऑटो वाला? हो रहा, चलो जाते हैं। ओए पत्ते गिर गए भाई, वो पत्ते गिर गए, वो देख रहे ऊपर पीले 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 पत्ते लगे हुए पेड़ पे, पूरे गिर गए भाई, 5-6 पेड़ गिर गया। चलो चले भैया, यहाँ पे प्रॉपर्टी पता करिए, यहाँ फ्लैट फूट खा लिया कोई आसपास ही देखते हैं। हाँ इधर कर, यहाँ आके खड़ा होता है मेरा भाई, अभी फ़ोन किया उठाया नहीं है। ये देखो एम लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा फैन है मेरा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली आएगा तब हम रिसीव करने चल लेंगे। अभी हम जा रहे हैं यार, इसके घर का व्यू देख लो, वाह क्या हो रहा है मुंबई में। चाहते नहीं है जाए, सही कह रहा है। मुंबई रुमाल है नहीं बाबा, बारिश पड़ने का मौसम है। अभी हम लोग आ रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट, चेक इन ऑन टाइम, फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, वी आर इन मैकडॉनल्ड्स एंड बहुत देर से पंगे ले रहा था मेरे से, तभी मैंने कैमरा खोला ताकि इसकी वाट लगा दो कि पूरा काव जाता है ऐसे, इसकी निपीस छेड़ दो तो निपीस। खाने पीने आए गए, डच चेक होगी, खाते चलो 50-50 स्प्लिट कहते हैं भाई, जब दो बंदों होता है तो स्प्लिट कहते हैं। चल यार एक ही बात है, ऑर्डर नंबर याद रखना प्लीज़ हमारा 2867, ठीक है? अभी बुलाएंगे तो बता देना। मेरे को लग रहा है कि हमारा ना मुंबई में कोई अधूरा काम है जो रह गया, जिसकी वजह से हम वापस जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी अभी दूसरी इसका है कि फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, मतलब कैंसिल ही हो गई, रीशेड्यूल भी नहीं हुई में आ रहा। और हम टाइम पे आए, टाइम पे चेक इन किया, बढ़िया बैठ के खा रहे थे, सारा फ़ोन आया फ्लाइट कैंसिल वेदर कंडीशन की वजह से। हम जा रहे हैं दूसरा कुछ करने के लिए, देखो क्या करते हैं भाई, कौन सी फ्लाइट देंगे नेक्स्ट। कुछ यहाँ पर कैंसिलेशन वगैरह का इसकी सुनवाई होगी, और ये देखो इसकी लाइन वो देखो क्या करें भाई, बता तू लग जा, मैं अपना खाना खा लेता हूँ उसका। भाई फिर से मैकडी, और इस बार ही टाइम हो रहा है कोई और जगह भाई है। सुबह के 6:30-7 बजे की फ़्लाइट है, फिर से उठ के आ गए, टाइम पे उठ गए, चेक इन सब कुछ जैसे हो रहा है, 2 बारी से सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है, फ्लाइट धोखा ना दे दे बस। नो एनर्जी, जीरो एनर्जी। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।